सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाया मंदिर को अपवित्र करने का आरोप, बोले मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। प्रसाद विवाद पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बालाजी मंदिर का प्रसाद जहां जहां जाता है वहां होनी चाहिए जांच। और यहां नहीं, मैं समझता हूं जहां जहां भी वो मंदिर है और जहां बालाजी का संबंध है वहां सभी जगह लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं और करने के बाद भी वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पवन कल्याण ने प्रसाद में मिलावट पर दिया कार्रवाई का भरोसा, साथ ही की मंदिरों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बोर्ड बनाने की मांग। प्रसाद विवाद पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अलवी, कहा आंध्र सरकार और बीजेपी एक साथ हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, पीएम और सीएम को दे देना चाहिए इस्तीफा। उत्तराखंड में दंगा रोधी विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी, विधेयक के मुताबिक दंगाई से होगी नुकसान की भरपाई। लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने को दी मंजूरी, सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जानकारी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण पर बोले सीएम योगी और कहा कि यहां थूक वाली रोटी और हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा, सब शुद्ध मिलेगा। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले मुलायम सिंह ने जुए में जीती थी साइकिल, इसीलिए साइकिल को बनाया चुनाव चिन्ह। कोलकाता हत्याकांड मामले में आज शाम निकाला जाएगा रिले मार्च, हाईलैंड पार्क से श्यामा बाजार तक 40 किलोमीटर तक होगा मार्च। हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी ली। समस्तीपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमएटी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के वक्त एसी से निकला सांप, तुरंत क्लास छोड़कर भागे छात्र। कर्नाटक के उडुपी में चलती ट्रेन से गिरी महिला, आरपीएफ की महिला जवान ने बचाई जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित होकर पलटी ओवर स्पीड स्कूल वैन, 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, परिजनों ने स्कूल में जाकर किया हंगामा। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में जल विहार महोत्सव की शोभा यात्रा में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, एक दूसरे पर जमकर बरसाए रात घुसे। फिरोजाबाद में अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर परिवार का हंगामा, अस्पताल में स्टाफ के साथ भी की गई मारपीट, पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। गुरुग्राम सड़क हादसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी कार सवार को किया गिरफ्तार, रॉन्ग साइड से आ रहा था बाइक सवार। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस का एक्शन, आरोपी अजय यादव मुठभेड़ में घायल, अजय यादव पर 1,00,000 का इनाम था, लूट का सामान बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में रेप के आरोपी ने पीड़िता की गोली मारकर हत्या कर दी, पीड़िता के घर लौटते वक्त हुई घटना, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीच सड़क युवक की बहरहमे से पिटाई कर दी गई, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चीन का बड़ा बयान, इसराइल का फिलिस्तीन क्षेत्र से कब्जा हटाने की उठाई गई मांग। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाके के बाद घटना के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, संगठन के लड़ाकों ने निकाली बाइक रैली। कैलिफोर्निया के इरविन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चर्बी वाला तेल आस्था से खेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बयान सामने आता है, जिसके बाद बवाल बढ़ जाता है। जांच होती है, रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि जो प्रसाद भक्तों को दिया जा रहा था उसमें जानवरों का मांस था, फिश ऑयल था। इसको लेकर के भोपाल से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चर्बी कांड के खिलाफ, लोगों में गुस्सा। और यहां पर देखिए संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जगनमोहन रेड्डी की सरकार में सब होता था। जगनमोहन रेड्डी की सरकार और उसके कार्यकाल पे को लेकर के लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे, पुतला फूंका गया है और रिपोर्ट में क्या क्या है वो भी आपको बता रहे, फिश ऑयल और इसके अलावा बीफ टेलो, ये सब। जबकि अब व्यवस्थाएं ठीक वहां पर की गई है, ये वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा। लेकिन अब आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आरोप लगाए गए थे पूर्व सरकार पर। और अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में जो भोग दिया जाता था, प्रसाद दिया जाता था श्रद्धालुओं को, उसमें बीफ टैलो मिलता था, इसके अलावा जानवरों का मांस मिलता था, मिलावट होती थी, फिश ऑयल होता था और करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। देखिए करोड़ों सनातनियों के साथ खिलवाड़, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। आप देखिए बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं, ना सिर्फ भोपाल बल्कि वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं आंध्र प्रदेश से। वह व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि पार्टनरशिप में डीड में जो है वो उसका मेंशन हो सकता है, वहां पर व्यक्ति की आस्था जुड़ी है। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करने में हम अपने आप को सौभाग्यशाली भक्त समझता है, उसको अपवित्र करने का, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो जगमोहन रेड्डी ने किया, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की मांग हम संस्कृति बचाओ मंच के लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जो भ्रष्ट करने का काम किया उन्हें जेल में जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि तिरुपति बालाजी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए विदेश से आते हैं। देश में भी 100 करोड़ ऐसे हिंदू आस्थावान हैं जो यहाँ का प्रसाद पाकर खुद को एक तरह से भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन इस प्रसाद में ही मिलावट के आरोप लग रहे हैं और जिसको लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। इसी से जुड़ी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ शर्मनाक। भगवान बालाजी के दर्शन में महापाप शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें पाई गई हैं। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है, क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जा रहे थे। इसीलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की TDP की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है, धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिर मंदिर तक गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया उसे देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो लोग गुनाहगार हैं
उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्र के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही देवस्थानम को ईसाई उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के आरोप लगाए थे। कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मोहर लगा दी है। अब देखना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन जिन लोगों ने महापाप किया उन पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से जो खुलासा किया गया है वो